दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं एक्सेल में बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। यहां पे जो आप डाटा देख रहे हैं ये एक बैंक स्टेटमेंट है। आपने इस टाइप का डाटा बैंक के पासबुक में देखा होगा, बैंक से जो भी लेन देन होता है तो कितना अमाउंट डेबिट हुआ और कितना क्रेडिट हुआ और लास्ट में कितना बैलेंस बचा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों इस वाले डाटा को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है लॉजिकल फार्मूला, जो कि आज इस वीडियो के अंदर आप भी सीखने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर कोई भी डेबिट अमाउंट डालेंगे तभी यहाँ पे लिखा हुआ आएगा DR, और यहाँ पर कोई क्रेडिट अमाउंट डालेंगे तभी यहाँ पे लिखा आएगा CR। जो अमाउंट यहाँ पे आप डालेंगे उसी हिसाब से आपको यहाँ पे बैलेंस दिखाएगा। तो सीखने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन प्रेस कर दें, ताकि कंप्यूटर से रिलेटेड और भी नई नई वीडियो जैसे ही अपलोड करूं आपको स्क्रीन पर सबसे पहले मिल सके। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक्सेल ओपन करके एक नया शीट लेना है। तो यहाँ पे मैंने पहले से लिया हुआ है और शीट को मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप जो भी काम करूँ आप लोगों को साफ साफ दिखा दे। दोस्तों एक्सेल में बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए यहाँ पर मैं काम करना 7 कॉलम में। तो यहाँ पर ये हो गया डी तक 4 कॉलम और ये यहाँ पे हो गया जी तक 7 कॉलम। तो ए से लेकर के जी तक यहाँ पे कॉलम में हमें काम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइप करना है हेडिंग, तो आपको यहाँ पे सभी को सेलेक्ट करके और आपको इसे कर देना है मर्जेंट सेंटर है, और यहाँ से इसकी हाइट में इंक्रीज कर देता हूँ और इसमें हमें टाइप करना है बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पे टाइप कर दिया हमने बैंक स्टेटमेंट और इंटर कर दिया, और इसमें कर देता हूँ फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे कर दिया मैंने मिडल और ये दिया है साइज, मैंने साइज इंक्रीज कर दिया। यहाँ से कर दिया बोल्ड, यहाँ से कर दिया मैंने ऑल बॉर्डर है, और ये दिया हुआ है हाईलाइट कलर, तो इसमें ले लिया मैंने येलो कलर। इसके बाद यहाँ पर नीचे के जितने भी कॉलम हैं सभी को सेलेक्ट करना है और इसे भी कर देना है आपका यहाँ पर ऑल बॉर्डर। इसमें हम टाइप करेंगे हेडिंग, ये हमारा मेन हेडिंग हो गया बैंक स्टेटमेंट का, और जो हम बैंक स्टेटमेंट बनाएंगे उसकी हेडिंग यहाँ पर टाइप करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप करना है डेट, और इसके बाद यहाँ पर टाइप करना है डिटेल्स है। दोस्तों एक बैंक के पासबुक में यहाँ पर डिटेल भी होता है और पार्टिकुलर भी होता है, तो आप यहाँ पर दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। ऐसे ज़्यादातर बैंक के स्टेटमेंट में यहाँ पर होता है डिटेल्स है। इसके बाद यहाँ पर टाइप करना है डेबिट, और इसी सेल के अंदर नीचे में दिखाना है विड्रॉ ब्रैकेट के अंदर। एक ही सेल में मल्टीपल लाइन टाइप करने के लिए अल्ट इंटर की प्रेस करना है और ब्रैकेट स्टार्ट करना है। इसमें आप टाइप कर देना है विड्रॉ, तो यहाँ पर टाइप कर दिया और लास्ट में कर दिया ब्रैकेट क्लोज और इंटर। इसे एक ही सेल में सेट करने के लिए इसकी विड्थ यहाँ पे बड़ी कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर एक ही सेल में सेट हो गया। इसके बाद यहाँ पर टाइप करना आपको DR, क्योंकि जो भी अमाउंट हमारा डेबिट होगा उसके सामने यहाँ पे लिखा जाएगा DR है। और यहाँ पर टाइप करना आपको क्रेडिट है, क्रेडिट के नीचे दिखाना है डिपॉजिट है। तो एक ही सेल में मल्टीपल लाइन के लिए ऑल्ट इंटर की प्रेस करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करके, और इसमें यहाँ दे दिया मैंने डिपॉजिट और यहाँ लास्ट में कर दिया ब्रैकेट क्लोज और इंटर। इसकी विड्थ यहाँ पे मैं बड़ी कर लेता हूँ एक ही सेल में सेट करने के लिए। यहाँ पे दिखाया था मैं CR डॉट में, यहाँ पे जो भी अमाउंट डिपॉजिट होगा उसके सामने यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट है, और लास्ट में यहाँ पे दिखाना है बैलेंस है। अब इसमें करना है फॉर्मेटिंग, तो इन सभी को सेट करके यहाँ से कर दिया मैंने सेंटर है और यहाँ से कर दिया मिडल। दोस्तों इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो यहाँ चले गए फॉर्मेट में, और इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑटो फिट रो हाइट है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो इसका हाइट ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो गया जितना इस कॉलम में चाहिए। इसी का जरा यहाँ पर फोल्ड है, ये दिया हुआ हाईलाइट कलर, इसमें जा करके और यहाँ से दिया मैंने डार्क स्काई ब्लू, और जो टेक्स्ट का कलर है यहाँ से कर दिया मैंने व्हाइट है। इसके बाद यहाँ पे टाइप करना डेट है, जैसे यहाँ दे दिया मैंने 1 जनवरी 2022 है। और दोस्तों यहाँ पे जो जनवरी है ये नंबर में दिया हुआ है, मुझे यहाँ पे टेक्स्ट में दिखाना है JAN, तो इस पर क्लिक करके मैंने इसे राइट क्लिक किया, यहाँ पे चला गया फॉर्मेट सेल्स में, और इसका जो डेट का फॉर्मेट है यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ से कर दिया मैंने ओके। यहाँ पे जनवरी आ गया आप टेक्स्ट में। और भी डेट लाने के लिए नीचे यहाँ पे मैं ड्रैग कर देता हूँ। दोस्तों जितने दिन का स्टेटमेंट आपको बनाना है उतना दिन आपको यहाँ पे इंसर्ट करा देना है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10 तारीख तक। इसके बाद यहाँ पे डिटेल टाइप करना है। बैंक से लेन देन करने के लिए सबसे पहले बैंक में कैश डिपॉजिट होता है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दिया कैश है, और यहाँ पे डिपॉजिट में टाइप कर दिया जैसे 1 लाख है। इसमें क्लिक करके यहाँ से लगा दिया डॉट है, ताकि नंबर के साथ यहाँ पे आ जाए कॉमा और यहाँ पे आ जाए नंबर डेसिमल में। अब दोस्तों क्रेडिट अमाउंट या फिर डेबिट अमाउंट डालने पर नंबर डालते ही डेबिट में आना चाहिए यहाँ पे DR है, और क्रेडिट में यहाँ पे आना चाहिए CR है। तो इसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है, आपको लगाना इक्वल टू इफ बैंक स्टार्ट है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है लॉजिकल टेस्ट है, इसके अंदर यहाँ पे लगा दिया किज नंबर और यहाँ पे दिया वैल्यू। तो मैंने आप इस वाले नंबर को सेट कर लिया कि यहाँ पे अगर कोई नंबर है तो यहाँ पे क्या लिखा आना चाहिए, तो मैंने इसे कर दिया ब्रैकेट क्लोज और कॉमा लगा करके, ये हो गया हमारा लॉजिकल कंडीशन। तो अगर ये कंडीशन सही होता है, अगर यहाँ पे कोई नंबर होता है तो यहाँ पे इस अगर कॉलम में क्या आना चाहिए, तो ये दिया है वैल्यू ट्रू, तो मैंने यहाँ दिया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर CR, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और कॉमा लगा करके, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जैसे यहाँ पे दिया है वैल्यू फॉल्स है। कि अगर यहाँ पे नंबर नहीं होता है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा सेल ब्रेक हो,
तो यहाँ दे दिया मैंने इन्वर्टेड कॉमा दो बार, इसका मतलब होता है ब्लैंक है, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिया। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आ गया CR। अब इसे आप नीचे में ड्रैग कर देता हूँ पूरे में इस तरीके से। अब यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है इसलिए यहाँ पे सभी ब्लैंक है। अब यहाँ पे देना हमें बैलेंस इक्वल टू जो भी क्रेडिट अमाउंट है, इस पे क्लिक करके इंटर कर देना है, तो जितना ही बैलेंस होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद विड्रॉ के लिए जैसे यहाँ पे दिखा दिया ATM में कि ATM से कुछ कैश विड्रॉ हुआ है और कितना दे हुआ है, जैसे यहाँ दे दिया मैंने 2500। इसमें आना चाहिए नंबर में कॉमा और साथ में डेसिमल में आना चाहिए, तो सभी कॉलम को सेट करके यहाँ पर ये दिया हुआ है कॉमा, इस पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे डेसिमल नंबर आ गया। और यहाँ पे इसमें आना चाहिए DR, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू इफ बैंक स्टार्ट है, और वही सेम फॉर्मूला इज नंबर और यहाँ पे दिया हुआ वैल्यू, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे पहले सेल से ही बैंक क्लोज है। यहाँ पे अगर कोई नंबर होता है तो क्या आना चाहिए, मैंने यहाँ पे दे दिया DR है, और अगर कोई नंबर नहीं होता है तो क्या आना चाहिए, तो यहाँ दे दिया मैंने कुछ भी नहीं, डबल इन्वर्टेड कॉमा का मतलब ब्लैंक हो गया, और बैंक क्लोज करके इंटर कर दिया। तो इसमें लगा दिया फॉर्मूला और इसे मैं यहाँ नीचे में पूरे में ड्रैग कर देता हूँ जहां तक हमें यहाँ पे डेबिट अमाउंट दिखाना है। तो इसमें आप देख सकते हैं डेबिट अमाउंट डालने पर यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे DR आ गया। अब यहाँ पे दिखाना हमें बैलेंस है, तो आपको करना क्या है इक्वल टू जो भी बैलेंस है इस पे क्लिक करके प्लस कर देना है क्रेडिट अमाउंट है और माइनस कर देना है डेबिट अमाउंट है, तो यहाँ पे जो भी बैलेंस बचेगा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे दोस्तों यहाँ पे मैं सभी को सेट करके यहाँ पे लगा देता हूँ बॉर्डर, तो मैंने यहाँ पे सभी को सेट कर लिया और इसमें यहाँ चला गया मैं और आउटसाइड बॉर्डर में, ये देखिए यहाँ पे दिया आउटसाइड बॉर्डर, इसमें लगा दिया और इस तरीके से आपको बॉर्डर लगा देना है, ये देखिए यहाँ पे चला गया। और अंदर बॉर्डर नहीं लगाना है आपको, यहाँ लेना आउटसाइड बॉर्डर कुछ इस तरीके से आपको लेना है, ये देखिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी सभी पे क्लिक कर देता हूँ आउटसाइड बॉर्डर लगाने के लिए। अब ऐसे ही और भी ट्रांजेक्शन करने के लिए यहाँ पे जल्दी से मैं हेडिंग टाइप कर लेता हूँ, बैंक से जो भी लेन देन होता है मैंने सभी हेडिंग यहाँ पे टाइप कर दिया और इसकी वृद्धि यहाँ पे मैं एडजस्ट कर देता हूँ, और जितने भी यहाँ पे ये टैक्स है सभी को यहाँ पे दिखाता हूँ मैं सेंटर में, तो यहाँ पे ये चला गया, मैं सेंटर पे क्लिक कर दिया। और यहाँ पे जो डेबिट का जो कॉलम है इसकी वृद्धि थोड़ा कम कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ये देखिए, और क्रेडिट का जो कॉलम है इसे भी यहाँ पे मैं कम कर देता हूँ। अब यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं अमाउंट, अब आप यहाँ पे देखेंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे डेबिट होगा और क्रेडिट होगा, जो भी बैलेंस होगा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। जैसे पेरोल में सैलरी रिसीव हुआ है तो यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने 25,000 और यहाँ पे देखिए क्रेडिट ऑटोमेटिक आ चुका है, और इसे मैं नीचे की ओर ड्रैग कर देता हूँ, ये देखिए, तो जो भी बैलेंस होगा यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया डायरेक्ट डेबिट है, जैसे कुछ अमाउंट डेबिट हो गया मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 5,000, आप यहाँ देख सकते हैं DR यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया और यहाँ पे अमाउंट डेबिट भी हो गया। ऐसे ही मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जैसे बाय पेटीएम, मतलब पेटीएम से कुछ पे किया गया है, जैसे कितना पे किया है 10,000, तो आप यहाँ देख सकते हैं अमाउंट यहाँ पे माइनस में हो गया। कैश में यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, जैसे यहाँ दे दिया मैंने मान लीजिए 15,000, ये देखिए, तो यहाँ पे अमाउंट क्रेडिट हो गया। ऐसे यहाँ पे दिया बिल पेमेंट दे दिया मैंने 2,000, अमाउंट यहाँ पे डेबिट हो गया। और रमेश से कुछ पैसा यहाँ पे रिसीव हुआ है चेक से, कितना हुआ है तो यहाँ दे दिया मैंने जैसे 10,000, तो आप यहाँ सकते हैं अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो गया। इंश्योरेंस का यहाँ पे दे दिया मैंने 1200, तो यहाँ पे ये अमाउंट डेबिट हो गया। और कैश यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है दे दिया मैंने 1,000, तो आप यहाँ सकते हैं अमाउंट दोबारा से यहाँ पे क्रेडिट हो गया। अब दोस्तों ये जो डाटा है इसे और भी अच्छे से दिखाने के लिए, जैसे आप मैंने इस कॉलम को सेट कर लिया CR वाले कॉलम को, और यहाँ चले गए कंडीशन फॉर्मेटिंग में, और ये दिया हुआ यहाँ पर टैक्स डेट कंटेंट, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। मैंने यहाँ दे दिया कि जहाँ भी CR हो उसमें फिल होना चाहिए ग्रीन कलर, तो यहाँ पे ग्रीन कलर फिल हो गया। ऐसे ही यहाँ पे दिया डेबिट का, मैंने इन सभी को सेट कर लिया। यहाँ चले गए कंडीशन फॉर्मेटिंग में, ये दिया हुआ टैक्स डेट कंटेंट, और यहाँ पे दिखा दिया मैंने कि जहाँ भी DR हो वहाँ पर होती है रेड कलर, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। और ये जो बैलेंस है इसमें यहाँ पे सेट करके, और यहाँ पर चले गए कंडीशन फॉर्मेटिंग में, और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है आइकॉन्स का, देखिए इसमें से यहाँ पे कलर के लिए दिया हुआ है, ये यहाँ पे कलर स्केल है, आप यहाँ पे इसमें कलर ले सकते हैं, जैसे जो ज्यादा अमाउंट होगा वो ग्रीन में, जो यहाँ बीच में होगा वो येलो में, जो कम होगा रेड में। ऐसे ही आप यहाँ पे और भी कॉलम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेल के अंदर बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और कंप्यूटर में ऐसा कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।